नमस्ते। क्या आपको पता है नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक असुर था सतयुग में। उसने ब्रह्मा जी को काफी प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई देव या दानव उसे नहीं मार पाएंगे। महिषासुर काफी अहंकारी हो गए, देवताओं को सताने लगे, पृथ्वी पर तो सताने लगे ही देवताओं को भी सताने लगे, और साथ में उन्होंने आक्रमण कर इंद्रदेव को भी हरा दिया। सारे देवगण जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश से काफ़ी प्रार्थनाएं की। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ उनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में महिषासुर की जीत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पराजित होना पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवगण सारे अत्याचार से पृथ्वी पर आकर रहने लगे। स्वर्ग लोग उन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय ब्रह्मा विष्णु काफी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से, उनके तेज से, उनके आंखों से एक तेज की उत्पत्ति हुई, एक महान रूप की तेज। और उस समय जिनका उत्पत्ति हुआ माँ भगवती, वो है महिषासुर मर्दिनी। उन्हें शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें, इंद्रदेव ने जैसे उन्हें वज्र दिया, तो सभी देवताओं ने माता जी को बहुत बड़े बड़े अस्त्र दिए, शस्त्र दिए। और माता अपने 10 भुजाओं में सारी अस्त्रों को लेकर सिंह वाहिनी बनकर पहुंच गई महिषासुर को वध करने। महिषासुर ये विशाल रूप देखकर डर गए, क्योंकि माता सिंह वाहिनी पर बैठकर महिषासुर पर अट्टहासी कर रहे थे। महिषासुर ने उनसे युद्ध छेड़ा, अपने सारे सेनापति, अपने सारे राक्षस गणों को कई करोड़ों के तादाद में उन्होंने साथ में लेकर युद्ध किया। लेकिन माँ की तेज और सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद और सारे देवों के अस्त्र शस्त्र से और माँ की खुद की तेज और खुद के प्रकोप से महिषासुर का वध किया गया। ये युद्ध 9 दिनों तक चली थी और 10वें दिन महिषासुर मर्दिनी माँ भवतारिणी को, माँ दुर्गा को विजय प्राप्त हुई थी, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। 9 दिनों तक युद्ध होने के कारण ये 9 दिन को हम लोग नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये सत्ययुग की कथा है। साथ में त्रेता युग में भी सीता माँ का हरण हो गया। फिर भगवान राम ने 9 दिनों तक माता का, दुर्गा माता का पूजा किया, व्रत किया, साधना किया। 9 दिन व्रत करने के बाद 9वें दिन भगवान ने, माँ ने राम जी को अपनी दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि उनका विजय होगा। और राम ने 10वें दिन जाकर रावण पर विजय पाए, जिस कारण हम इसको दशहरा भी बोलते हैं। ये दशहरा के रूप में भी मनाई जाती है। ये 9 दिनों में देवी के 9 रूपों का पूजा कैसे की जाती है, इनके 9 रूप के बारे में जानते हैं। 9 दिनों में हर दिन का एक विशेष स्वरूप होता है, जिसे हम प्रेम, शक्ति, धैर्य और शांति की प्राप्ति कर पाते हैं 9 दिन के ये व्रत पालन कर। पहला दिन शैलपुत्री का पूजन होता है, जो शक्ति और साहस की देवी है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में हम माँ को पूजते हैं और ये तपस्या और ध्यान की देवी के रूप में मानी जाती है। तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जो माँ का एक रूप है और हमें शांति और शक्ति का प्रतीक देते हैं, माना जाता है। चौथे दिन कुष्मांडा रूप से माँ की पूजन होती है, जो सृजन और ऊर्जा की देवी मानी जाती है। पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में माँ की पूजन होती है, जो मातृत्व और प्रेम की देवी है। छठे दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये माँ का एक ऐसा रूप है जो प्रतीक है निडरता और साहस का। सातवें दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है। ये माँ का एक ऐसा रूप है जो अंधकार और भय को नष्ट करते हैं। आठवें दिन माँ का एक अद्भुत रूप होता है, जिसे हम महागौरी नाम से जानते हैं, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। नौवें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ की पूजा की जाती है, और इस दिन अगर हम व्रत सही तरीके से पालन करें तो हमें आत्मज्ञान और सिद्धियों में वृद्धि मिलती है। आध्यात्मिकता के पथ में जो जाना चाहते हैं, इन दिनों में उन्हें
सारी सिद्धियां प्राप्त होती है अगर वो पूरे आचरण के साथ भक्ति के साथ माता जी का व्रत करे। नौवे दिन नवरात्रि देवी शक्ति का उत्सव है। ये नौ दिन आत्मशक्ति संयम और देवी के आशीर्वाद का समय है। शक्ति की आराधना से हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस दौरान हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें इन नौ दिनों के व्रत में नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहली गलती है बाल, दाढ़ी और नाखून। अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन नौ दिन इन्हें न काटें, इससे हमारी व्रत सफल नहीं होती है, अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दूसरी गलती, इन नौ दिनों के व्रत में हमें पूरी शाकाहारी रहने चाहिए। इवन हमें किसी तरीके का प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, ये अशुभ फल देते हैं हमें व्रत के दिनों में। तीसरी, हमें काले रंग के वस्त्र का व्यवहार इन व्रत के दिनों में नहीं करना चाहिए। सो पुरुष महिला जो भी व्रत कर रहे हैं काले वस्त्र ना पहने, इन्हें नकारात्मक माना जाता है और इनका भी अशुभ फल प्राप्त होता है। इन कुछ दिनों में अगर इसको हम वर्जित करें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। इन व्रत के दिनों में हमें संयम पालन करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए वो है नशा, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू का पान नहीं करना चाहिए। इन नौ दिनों में हमें ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना चाहिए। हमें किसी तरीके की शारीरिक संबंध नहीं करनी चाहिए। आप व्रत के दिनों में अखंड दीला जलाए रखे हैं तो इन नौ दिनों तक घर को खाली ना रखें, इस अखंड दिया को हमेशा जलते रहना चाहिए। अगर अखंड दिया का तेल खत्म हो जाता है आप एक और दिया लेकर तेल भरकर उसमें जलाएं और उसके बाद पहले वाली दिया खुद ही बुझ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ना रहें और दिया बुझ जाती है तो इसका फल अशुभ होता है और व्रत टूट जाते हैं। इसमें भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। व्रत के दिनों में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, ये विष्णु पुराण में लिखे हुए हैं, ये गलती ना करें, इससे हमारे फल अशुभ होते हैं। इसके अलावा अगर हम अनाज और नमक इसका सेवन करें तो ये भी हमारे व्रत में बाधाएं डालती हैं। अनाज और नमक का सेवन ना करें। अब आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक ले सकते हैं और आप कुट्टू के आटे या फलाहार कर सकते हैं। अंतिम जो हमें मानना चाहिए वो है अखंड दीपक जो हम जलाते हैं ना, उसे स्वयं ही स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए, उन्हें हम फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, ये भी अशुभ फल प्राप्ति के एक लक्षण बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे नवरात्रि शुरू हुई, क्यों मनाई जाती है, सत्य युग में महिषासुर और त्रेता युग में राम द्वारा माता जी के पूजन के कारण ये नवरात्रि की विधि मनाई जाती है। नौ दिनों तक, दसवें दिन दशहरा मनाई जाती है। साथ में मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए, और हमने ये भी बताया कि हर नवरात्रि के दिनों में हम माता का किन किन रूपों में पूजन करते हैं। अगर आपको ये जानकारी लाभकारी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये कुछ एक कथा सबों के पास पहुँचे और सबों को इसमें ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्यवाद।